टीके की शीशियों के चारों ओर आइस पैक के साथ कूल बॉक्स का उपयोग सुनिश्चित करें। वैक्सीन की शीशियों के ऊपर आइस पैक रखने से बचें। वैक्सीन की शीशी को प्रकाश के संपर्क में आने से बचाएं। वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच स्टोर किया जाना है। टीके की क्षमता को बनाए रखने और टीके के भंडारण के लिए कोल्ड चेन की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। टीका लगाने के लगभग आधे घंटे पहले ही रेफ्रिजरेटर से निकाला जाना चाहिए। हम वैक्सीन को कैसे भेजें इसको भी समझना पड़ेगा। ब्रुसेला टीकाकरण में शामिल सभी कर्मियों को सुरक्षात्मक परिधान पहनने चाहिए, जिसमें शामिल हैं दस्ताने, सुरक्षात्मक चश्मा, लैब कोट, जूते, मास्क। हम वैक्सीन को कैसे लगाएं इसको भी समझना पड़ेगा। जानवरों को इंजेक्शन लगाने के लिए हमेशा नई सुई का ही प्रयोग करें। टीके की समाप्ति तिथि के बाद उसका उपयोग न करें। रोग के उचित नियंत्रण के लिए न्यूनतम 90% जनसंख्या का टीकाकरण करना आवश्यक है। टीका लगाने वाले एवं पशु को चोट लगने से बचाने के लिए टीकाकरण से पहले पशु को ठीक प्रकार से नियंत्रण में कर लेना चाहिए। पहले से गर्भ धारण किए हुए पशुओं का टीकाकरण नहीं किया जाना चाहिए। इंजेक्शन से स्वयं घायल हो जाने की स्थिति में रक्त को स्वतंत्र रूप से बहने दें, दबाएं नहीं। साबुन व पानी से धोएं, स्वच्छ एवं सूखा रखें और तुरंत चिकित्सक से सलाह लें। टीकाकरण के समय आपातकालीन दवाएं जैसे फेनेरामाइन मैलेट, डेक्सामेथासोन आदि तैयार रखनी चाहिए। टीकाकरण के बाद कम से कम 1 सप्ताह तक प्रतिकूल प्रक्रिया के लिए टीकाकरण वाले पशुओं की निगरानी की जानी चाहिए। सभी प्रतिक्रियाओं की सूचना दी जानी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए निकटतम पशु चिकित्सालय केंद्र पर जाएं। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा जनहित में जारी।